नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू हल्के के कई गांव का दौरा किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 5 आदमियों की जो कमेटी चुनी है, यह अच्छा कदम है, जल्दी फैसला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में पहले की सरकारों के सत्ताधारी नेताओं ने किसानों पर गोलियां चलाई, लाठियां चलाई, अत्याचार किए, लेकिन हमारी सरकार ने बल प्रयोग नहीं किया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि नौकरियों में घोटाले, भ्रष्टाचार, बेईमानी, इलाकावाद, भाई भतीजावाद, इस तरह के काम करने का एकाधिकार कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ज्यादा है। उनकी सरकारों में नौकरी लगे बच्चे कोर्ट से हटे, हमारे यहाँ कोई गड़बड़ करता है तो कार्रवाई की जाती है। हमारी सरकार में गरीबों के प्रतिभाशाली बच्चे नौकरी पाते हैं, उनके समय में मोटे पैसे वाले और थर्ड डिवीजन वाले नौकरी पाते थे। हमारी सरकार में गरीब का बच्चा मेरिट वाला नौकरी पाता है। कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने आज हल्के के नुनसर, चहड़कला, बरालू, कोटड़ा, गिगनाऊ, झुप्पा कला, ढिगावा और भुगला गांव में दौरा किया और शादी समारोह में शिरकत की। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। लोहारू से हमारे संवाददाता विकास पहलियान की रिपोर्ट। ये किसान जत्थेबंदियों ने जो कल फैसला किया है कि 5 आदमी चुन के उन्होंने निश्चित कर दिए हैं, ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, अलग अलग 50-60 अलग अलग यूनियन थी, उन्होंने चुन के 5 आदमी लगाए, तो उनकी समस्याओं का अब समाधान करने में सरकार को सुविधा रहेगी। और कृषि कानून वापस हो गए हैं, MSP पे मोदी जी ने पहले ही कमेटी बनाने की बात कर दी है, और भी जो उनके मसले हैं, सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करके समस्याओं का समाधान करेंगे। मोदी जी का लक्ष्य यही है कि किसान को सहायता दें, किसान की आमदनी बढ़ाएं, किसान को सुविधा दें, उस दिशा में ही काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार की भी पूरी ये भावना है कि किसान आगे बढ़े, और आंदोलन बहुत पहले भी हुए हैं, पिछली सरकारों में भी हुए हैं। उस वक़्त के सत्ताधारी जो नेता थे, उन्होंने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई, लाठियां चलाई, अत्याचार किए। हमारी सरकार ने झुक के अपना टाइम पास किया है, हमने किसी भी तरह का कहीं भी बल प्रयोग नहीं किया, और हम समझते हैं कि किसान भी हमारे परिवार के मेंबर है, और जो उनकी जायज़ मांग है, धीरे धीरे करके उनकी सारी माननी चाहिए, और जब कृषि क्षेत्र बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।